मनुष्य दो विचार उत्पन्न होते हैं, कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी कार्य करना हो। एक वो विचार होता है जो समझ करके, सोच करके लिया गया निर्णय होता है। एक वो विचार होता है जो काम होने के बाद आप बोलते हो, मेरी आत्मा तो पहले ही नहीं मानती थी ये काम करने को, बस आपने दबाव दिया और मैंने ये काम शुरू कर लिया। लेकिन आत्मा पहले नहीं मानती थी कि मैं ये काम करूं। वो विचार होता है दिमाग का, ये विचार होता है हृदय का। ये दो विचार होते हैं। तो हृदय का जो विचार होता है वो भावनात्मक ज्यादा होता है, विचारशील कम होता है। कुछ लोग उसको आत्मा की आवाज भी कहते हैं, कुछ लोग उसको दिल की आवाज भी कहते हैं, कुछ लोग उसको दिल का निर्णय भी कहते हैं। वो सोच समझ करके, प्लानिंग करके, राय ले करके, बुद्धि की अक्षमता के अनुसार जो सोचा गया है उसके ऊपर कार्य करना, ये बुद्धि का काम है। अब सवाल ये उठता है कि हम दिल की सुने या दिमाग की सुने। कुछ लोग दिल से निर्णय लेते हैं, कुछ लोग दिमाग से निर्णय लेते हैं। न दिल से निर्णय लिया जा सकता है पूरी तरह से, न दिमाग से पूरी तरह से निर्णय लिया जा सकता है। सबसे पहले तो आप दिल और दिमाग के निर्णय का तालमेल बनाना सीखिए। जब तक दिल और दिमाग के निर्णय का तालमेल नहीं बनेगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। कोई कार्य दिमाग बोले करना चाहिए, दिल बोले नहीं करना चाहिए, आप इसी द्वंद में फंसे रहोगे। कभी वो नेगेटिव बोलेगा, कभी वो नेगेटिव करेगा। तो इन चीजों से आप इसी प्रकार से जीत सकते हैं कि आप दोनों की सुनो, और ये नहीं कि दोनों की सुन करके आप फिर फैसला लो, नहीं, दोनों की सुनो, फिर दोनों में तालमेल बनाओ, हृदय का और बुद्धि का, दोनों के विचारों का तालमेल बनाओ। और जब वो तालमेल बन जाएगा, फिर आपको न सोचने की आवश्यकता होगी, न विचार करने की आवश्यकता होगी, न कोई कार्य गलत हो सकता है। आपका जीवन, आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आप इनमें तालमेल नहीं बना पाए और ये आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, भूल जाओ आप सफलता को। तो सफलता तो दूर की कड़ी है, बहुत दूर की, जो ना आपने सोची है, ना आप सोच सकते हो, ना आपका वहां तक विचार जा सकता है, क्योंकि आप इसी लड़ाई में फंसे रहोगे, सही क्या है, गलत क्या है। और अगर आपको पता चल गया सही ये है, गलत ये है, फिर तो काम करना है। और काम के ऊपर हमने चलना शुरू किया तो परिणाम आपके सामने होगा, क्योंकि सारी एनर्जी एक तरफ लग जाएगी, नकारात्मक कुछ भी नहीं होगा। आप जी जान से मेहनत करके उस काम को करने में लग जाएंगे। कोई भी अपना 100% जब लगाता है मन बुद्धि हृदय के साथ, तो सफलता निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता उसी आगे बढ़ने से। तो आप
सबकी सुन करके और सकारात्मक विचार उत्पन्न करके काम के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, यही आपके लिए, जीवन के लिए अनमोल रहेगा।